वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। आज ब्रशेस की क्लास है पार्ट टू, और फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि हम किस तरह से ब्रशेस ही से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर स्क्रीन पर एक ब्रश हो रहा है और इसके अंदर एक इमेज क्लिप है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था, एंड सेकेंड हम एक सर्कल के अंदर सिर्फ बॉटम एरिया से इमेज को किस तरह क्लिप करेंगे, एंड थर्ड वन जो हम सीखेंगे कि हम अपनी कस्टम ब्रशेस को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारे पास जो फर्स्ट यहाँ पर प्रोजेक्ट शो हो रहा है उसमें हमने एक ब्रश के अंदर इमेज को क्लिप किया है। सो फर्स्ट मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं आपको नए सिरे से सिंपल तरीका इसका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप बीफ ब्रश ले लें और अपने इस कैनवस के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जनरल ब्रश के बजाय बाकी भी देख लें। मैंने यहाँ डीडी स्प्रेडर ब्रश डाउनलोड किया था, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं ब्रश इजी से, पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया हुआ है। सो स्प्रेडर ब्रश 3 पर मैं आता हूँ और यहाँ पर आकर क्लिक करूँगा। काफ़ी बड़े साइज का ब्रश है, ब्रश के साइज को छोटा करने के लिए स्क्वेयर ब्रैकेट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर अपनी मर्जी के साइज का ब्रश जो है वो आप क्लिक करेंगे तो वो ब्रश यहाँ पर आ गया। लेकिन यहाँ पर एक मिस्टेक मैंने की है कि मैंने बैकग्राउंड लेयर के ऊपर इसको मैंने ड्रॉ किया है। आप अंडू करें और एक नई लेयर लें, हमेशा याद रखें नई लेयर के ऊपर करें और क्लिक कर दें। मैं ये चाहता हूँ कि अब इसके अंदर मैं कोई भी इमेज जो है वो क्लिप करूँ, तो आप मिनिमाइज कर लें इसको, और मिनिमाइज करने के बाद आप यहाँ से एक इमेज ड्रैग करके ले आए और यहाँ पर इसके ऊपर आकर छोड़ दें। इमेज को आप रिसाइज कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं इसको यहीं एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट करने के बाद एंटर किया, और याद रखिए इमेज आपका ऊपर है और ब्रश आपका नीचे है, आपने दोनों लेयर्स के दरमियान में आना है बिल्कुल, और ऑल्ट प्रेस करके दोनों लेयर के दरमियान में आके क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि इमेज आपके ब्रश के अंदर क्लिप हो चुका है। अब आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अगर आपने इमेज को एडजस्ट करना है तो आप इस पर क्लिक करके कंट्रोल टी प्रेस करें और यहाँ से आप इसे रिसाइज कर लें, और अपनी मर्जी से जहाँ पर आपने इसे एडजस्ट करना है वहाँ पर आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। सो आई होप ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। सेकेंड जो क्वेश्चन था स्टूडेंट का वो ये था कि हम किस तरह से हाफ इमेज को क्लिप कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल सी ट्रिक है, इसको भी आप देख लें। मैं यहाँ पर इसको डिलीट कर रहा हूँ और जस्ट मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया शेप से। सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं यहाँ पर एक इमेज इम्पोर्ट करूँगा। सो इमेज मैंने यहाँ पर एक डाउनलोड किया हुआ है, डाउनलोड्स में चेक कर लेते हैं। और ये इमेज रहा, मैंने इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव करके रखा ताकि हमारा टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। सो यहाँ पर ड्रैग करके यहाँ रखूँगा इसको और इसे एडजस्ट कर लूँगा, अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर लें जहाँ पर भी एडजस्ट करना चाहते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि जस्ट इनके जो हेड हैं वो सर्कल से बाहर हो, बॉटम का एरिया जो है वो क्लिप होना चाहिए। तो यहाँ पर एक बड़ा सिंपल सा तरीका आपको बताऊँगा कि आपने कंट्रोल के साथ इस एलिप्स के ऊपर आकर, इसके थंबनेल के ऊपर आकर क्लिक करना है, तो आपका ये जो एलिप्स है ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने इमेज वाली लेयर सेलेक्ट रखनी है, इमेज वाली याद रखिएगा, एंड देन लेयर मास्क आपने अप्लाई करना है। तो क्या होगा, इससे आपका इमेज क्लिप हो जाएगा। यहाँ पर मैं मूव टूल एक्टिव कर लूँ। अब देखें कि बॉटम के एरिया के साथ साथ इसके जो हेड है इन मॉडल्स के वो भी क्लिप हो चुके हैं, हम ऐसा नहीं चाहते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पर लेयर मास्क अप्लाई किया है और लेयर मास्क से हम इस इंफॉर्मेशन को वापस ला सकते हैं। सो आपने इस लेयर मास्क को सिलेक्ट रखना है, मेक श्योर कि आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो। बीफ ब्रश टूल सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करके यहाँ नॉर्मल ब्रश ले लें, जनरल ब्रश से ये नॉर्मल ब्रश ले रहा हूँ मैं, और साइज मैं इसका कम करूँगा यहाँ पर, ठीक है। मैं अंडू करके थोड़ा सा साइज कम करके दिखाता हूँ, और मेक श्योर कि फोरग्राउंड कलर वाइट होना चाहिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखें आपके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है वो वापस आ रही है, ये चेक कर लें। अगर आप बॉटम पे भी क्लिक करेंगे तो ये भी इन्फॉर्मेशन वापस दे देगा, बट हमें ये एरिया क्लिप चाहिए था सो मैंने अंडू कर लिया। एक और चीज़, अगर आपने इसके ऊपर ये ब्रश फेर दिया और उसके बाद आप चाहते हैं कि इन्फॉर्मेशन दोबारा मैं टाइप करना चाह रहा हूँ, तो आप इसको स्वैप करके कलर को चेंज भी कर सकते हैं। सो हमें ये नहीं चाहिए, हमें बॉटम से ही क्लिप करना था। सो ये आपकी सेकेंड ट्रिक है। थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है, आप यहाँ पर आएँ तीसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। हमने काफ़ी सारी बटरफ्लाइज बनाई हुई हैं, ये हमने अपना जो कस्टम ब्रश है वो डिफाइन किया है। कैसे हम करेंगे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। मैं एक नई लेयर ले लेता हूँ ये डिलीट करने के बाद, और यहाँ पर मैं शेप्स के अंदर आऊँगा। सबसे नीचे हैं तो कस्टम शेप्स, यहाँ पर बहुत सारी शेप्स आपको मिलेंगी, आप इनमें से जो भी ब्रश कस्टम ब्रश डिफाइन करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। मैं यहाँ से एक फ्लावर ले लूँगा और क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर दूँगा। कलर अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी कलर देना चाहें वो दे सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है,
और सिर्फ वो एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है जो आपने ब्रश बनाना है। सो मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर लिया है, आपने एडिट में जाएं, एडिट में जाने के बाद यहाँ से डिफाइन ब्रश और नाम कोई भी दे दें, मैं यहाँ पर दे रहा हूँ फ्लावर और ओके कर रहा हूँ, फ्लावर वन कर दें। अगर आप दूसरा तीसरा ब्रश डिफाइन करेंगे तो वन के नाम से बेहतर रहेगा, ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप इस लेयर को आप डिलीट कर दें बेशक, और अब आपके पास बीफ ब्रश टूल से देखें वही चीज़ जो है वो डिफाइन हो चुकी है, और राइट क्लिक करके आप यहाँ पर बॉटम पर देखें तो फ्लावर वन के नाम से ये फ्लावर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब आप तो सिंपल इसके साइज को सेट करके क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट कलर चूज कर लें और ओके करने के बाद साइज को एडजस्ट कर लें, ये देख लें साइज को स्क्वेयर ब्रैकेट से छोटा बड़ा कर सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं ब्रश से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।